जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपने थंबनेल पर सही देखा दोस्तों कि तुक्के कैसे लगाई। दोस्तों, कोई भी एग्जाम दे देना दोस्तों, अभी ये तो BSTC का एग्जाम है। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया हमें बता दीजिएगा, अब समय हमारे पास बहुत कम है, एग्जाम में तुक्के कैसे लगाए। अब दोस्तों, तुक्के कैसे लगाए मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिएगा, ये BSTC का एग्जाम है, इसमें इतने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। वैसे तो आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन ये जो मैं आपके सामने जो लॉजिक यानी जो ट्रिक बताने वाला हूं, ये आप सभी अगर जिनकी GK में पकड़ है या रीजनिंग में, जिसके आपके जिस भी सब्जेक्ट में पकड़ है, ये जो तुक्के बताने वाला हूं, मैं 10 तुक्के बताने वाला हूं इस वीडियो में। कितने तुक्के? 10 तुक्के। ये 10 तुक्के आपके माइंड में हमेशा के लिए रहना चाहिए दोस्तों, हमेशा रहना चाहिए। क्यों? क्या पता एग्जाम में पेपर देखने पर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो ये 10 तुक्के लगा लो। 10 तुक्के में से कोई भी एक तुक्का काम कर जाए तो अपना काम आसान हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों, आपको करना क्या, सारा पुष्पराज झुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं झुकने वाला, पुष्पराज नहीं झुकने वाला दोस्तों। मेरे बहुत सारे, अभी देखो आपको पता है कि थोड़ा लाइव नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हमने लाइव क्लासेस भी बंद कर दी है, लेकिन आप सभी के इतने सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं। वैसे यूट्यूब देखो आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे, 1500 कलम से मैंने वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है। उसमें से राजस्थान जी के क्लास 12th के भी डाल रखे हैं, तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। मैंने यूट्यूब स्टूडियो में चेक किया तो कह रहे थे कि भैया तुक्के कैसे लगाए, तो आज यही वीडियो है दोस्तों, तुक्के एग्जाम में कैसे लगाए, BSTC में कैसे नंबर लाए, ठीक है। अब बिल्कुल भी जिन्हें प्रश्न हमने देखा और प्रश्न हमारा समझ में नहीं आया, अब पता ही नहीं इसका आंसर क्या है, लेकिन तुक्के लगा दे तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, 100% राइट होगा दोस्तों, बिल्कुल। अब एक बार आपके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की है दोस्तों, वीडियो बना रहा हूं, तो आप भी एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सच्चे मन से दिल से लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके सामने क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य के जिलों का लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। अब मुझे पता नहीं क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें तो क्वेश्चन याद ही नहीं, हमें तो यानी उत्तर आता ही नहीं इसका, तो हमने छोड़ दिया। अब आप में से बहुत सारे दोस्तों को यह क्वेश्चन आता होगा, कोई बात नहीं, आता है तो भी ये ट्रिक जो लॉजिक जो लगेगा, ये जो तुक्के हैं आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन, हमें क्या मतलब क्वेश्चन से, अब डायरेक्ट उत्तर को देखना दोस्तों। अब हमें बताना है इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अगर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिए हो, तो देखो सबसे पहले देखना क्या है, बाड़मेर ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मुझे ढूंढो तो सही, क्या पता मैं मिल जाऊं। ये प्रश्न कह रहा है कि मुझे ढूंढो तो सही, क्या पता मैं तुझे मिल जाऊं। तो दोस्तों, अब मिलने के लिए देखिए बोल रहा है ये क्वेश्चन, तो हमें मिलाना है भाई, कैसे क्या है, अब लगाओ दोस्तों दिमाग, इसका उत्तर क्या हो सकता है। हमें तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन दिमाग लगाओ इसका उत्तर क्या हो सकता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखने पर मुझे मेरे मन में देखो एक दिमाग यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ट्रिक बन रही है दोस्तों, क्या बन रही है। अब देखो दोस्तों, इसमें करना क्या है, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन दिए हो तो इसमें आपको देखना है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, इस तरीके से पहले मैडम देखना है, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, जैसलमेर कॉमन आ रहा है, तीन बार जैसलमेर दे रखा है, इसका मतलब इसमें जैसलमेर कॉमन है, ठीक है, जैसलमेर कॉमन है। उसी प्रकार दूसरे में देखो, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, बाड़मेर दो बार आ गया, इसका मतलब इसमें क्या कॉमन आ गया है, बाड़मेर आ गया है, ठीक है, इसमें बाड़मेर कॉमन आ गया। अब इसमें देखो गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, इसमें देखो गंगानगर दो बार है, तो इसमें गंगानगर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, गंगानगर कॉमन आ गया। इसी प्रकार से इसमें देखो बीकानेर, गंगानगर, अब इसमें दो आ गए, तो दोस्तों इसमें गंगानगर तो हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि गंगानगर हमने पहले ले लिया दोस्तों, ये गंगानगर आ गया, तो इसमें गंगानगर तो हम नहीं ले सकते। इसमें आप देखो बीकानेर आ रहा है, तो इसमें बीकानेर को ले लेते हैं दोस्तों, किसको ले लेते हैं, बीकानेर को ले लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, देखिएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, किसमें दे रखा है बताओ, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये देखो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, ये हमारा राइट हो गया दोस्तों। इसी तरीके से आपको करना है, और ये आपके दोस्तों BSTC के अंदर, वैसे आपको पता है कि एक क्वेश्चन तीन नंबर का आता है, ये तीन नंबर पक्के हैं, कोई काट नहीं सकता दोस्तों, इस तरीके से ही आपको करने हैं दोस्तों, 100% कहता हूं ये सटीक आंसर हो गया आपका। वैसे आपको पता नहीं, आपको क्या पता क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवरोही क्रम जो भी बोले, इस तरीके से आपको करना है। कैसी लगी दोस्तों ट्रिक, ये हमारा तुक्का नंबर 1 है दोस्तों। अब देखते हैं प्रमुख तुक्का नंबर 2, क्योंकि आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा तुक्को या ठप्पो लगाना दोस्तों। अब की बार देखिएगा, क्वेश्चन को देखते ही हमारे मन में ऐसा आया दोस्तों, माइंड इंट्रीगेट हो गया दोस्तों, क्वेश्चन को देखा और माइंड इंट्रीगेट हो गया कि इसका आंसर क्या, कैसे क्या करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके BSTC पेपर में 2 मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर मिला है आपके 2014 से लगाकर, तो उसमें यानी 2 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, बिल्कुल 6 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों, आज से आपके 6 नंबर पक्के हैं। जो होशियार है और जो डपोड़ है, डपोड़ होशियार के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो करना क्या है, वो आपके सामने क्वेश्चन है,
क्वेश्चन देख रहे हैं आप लेकिन समझ में कौन नहीं आई हुआ है। देखो सुमेलित कीजिए, एक तरफ सूची वन है और दूसरी तरफ सूची सेकंड है। एक तरफ दे रखे कबीर है, मीराबाई है, गुरु नानक देव जी है, चैतन्य महाप्रभु है और दूसरी तरफ बंगाल, तलवड़ी, मेड़ता, बनारस इस प्रकार से दे रखे हैं। क्वेश्चन को देखते ही माइंड तो इंट्रीगेट हो गया लेकिन अब आंसर को कैसे ढूंढे, इनमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने कूट दे रखे हैं। अब देखो दोस्तों किस प्रकार से, अब रीजनिंग का फॉर्मूला लगाना दोस्तों, मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों, ठप्पा 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 या ठप्पा, देखिएगा टप्पा नंबर कौन सा है, टप्पा नंबर है हमारा दो, ठीक है टप्पा नंबर दो है, ठप्पा कह सका टप्पा कह सका जो भी है। अब देखिएगा करना क्या है इसमें, आपको कुछ नहीं करना, अब इसका आंसर बताना है कि इनमें कौन सा क्या होगा, मिलान करना आपको। यह क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों अरे मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो आप, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो आप, मुझे आगे से ढूंढो, पीछे से नहीं, मुझे आगे से ढूंढो और ना ही बीच में से ढूंढो, मुझे आगे से ढूंढो। देखिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा आप क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब करना क्या है इस कूट में, आप देखो दोस्तों चार एक चार तीन दे रखा है, इसमें कॉमन ढूंढो क्या आ रहा है कॉमन दोस्तों, चार चार कॉमन आ रहा है। तो देखो इसमें हम क्या ले लेंगे दोस्तों, चार कॉमन आ रहा है, चार इसमें चार इसमें, तो देखो ये चार हमने कॉमन लगा लिया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें तीन यहां पर रहा, तीन यहां पर, तो तीन इसमें कॉमन आ गया। इसमें देखो क्या कॉमन है, दो और दो कॉमन है, तो इसमें दो कॉमन लगा लिया हमने, ठीक है दो बार हो गया दो। इसी प्रकार इसमें देखो कॉमन क्या है, एक है, तो देखो दोस्तों बता दो दोस्तों चार तीन दो एक किसमें क्या है, चार तीन दो एक, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये आपके तीन नंबर पक्के हैं जो इतने दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं, और जिन्होंने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की वो भी दोस्तों यानी कि अपने होशियार के समान हो जावे। अब देखो दोस्तों अब आप कहेंगे भैया ये क्वेश्चन तो मुझे आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है आता है तो अच्छी बात है, फिर भी आपको ये लॉजिक ये ट्रिक आपको याद रखनी दिमाग में हमेशा के लिए दोस्तों, ठीक है इस प्रकार से आपको करना है और ये आपके तीन नंबर पक्के हो गए। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन देखो हमें कॉमन मिल गए, अगर कॉमन नहीं मिले तो फिर अब देखते हैं फिर इसी प्रकार का टाइप नंबर, तो टप्पा नंबर तीन दोस्तों, टप्पा तीन, टप्पा को दोस्तों टप्पा तीसरा अपना, देखिएगा ये कह रहा है क्वेश्चन कि मुझे आगे से मत ढूंढो, मुझे पीछे से ढूंढो। अगला अब टप्पा नंबर टू क्या कह रहा था कि मुझे आगे से ढूंढो, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे पीछे से ढूंढो। अब किस प्रकार पीछे से ढूंढना दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देखो दोस्तों, क्वेश्चन को देखते ही दिमाग खराब होगी दोस्तों, वाटरमैन, मंकी मैन, कैमल मैन, काइट मैन, ये तो मैंने पिडे को नहीं, ठीक है अब पिडे को नहीं दोस्तों। अब ट्रिक देख लीजिएगा इस प्रकार से आपको करना है, अब देखो एक चार दो तीन, अरे भाई मिल रही को नहीं, हमारा तो दिमाग खराब हो गया, क्या ट्रिक बताई मिल रही को नहीं, इसी में देखो दो तीन चार ही मिल रही को नहीं। अब ये क्वेश्चन क्या करेगी पीछे से ढूंढो, मुझे पीछे से, अब पीछे से ढूंढना दोस्तों, तीन और दो, देखो दो दो इसमें कॉमन है आपको पता, देखो दो कॉमन आ गया इसमें, इसमें दो कॉमन है, दो दो, ठीक है दो कॉमन आ गया, इसमें देखो क्या कॉमन है, चार कॉमन है, ये चार यहाँ पर, ये चार, तो चार कॉमन आ गया, दो और चार देख लो पीछे किसमें है, दो और चार किसमें है पीछे, दो और चार किसमें, देखो ऑप्शन नंबर डी मेरा दो और चार, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो गया दोस्तों, तीन एक दो चार, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस तरीके से करना है और ये भी आपके दोस्तों तीन नंबर पक्के हैं। मैं कह रहा हूँ कि दो क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में इस प्रकार से, तो छह नंबर डायरेक्ट ही पक्के हो जाएंगे दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों के नंबर बिल्कुल फोकट में मिल रहे हैं। पेपर को चुरा लिया मैंने दोस्तों जल्दी से। टप्पा नंबर चार क्या कह रही है कि मैं न तो आगे मिलूंगा ना पीछे मिलूंगा, ना तो आगे से मिलूंगा ना पीछे से मिलूंगा, ढूंढना हो तो बीच में से ढूंढ लेना, नहीं तो गलत कर देना दोस्तों। देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, टप्पा नंबर चार में आपको क्या करना दोस्तों, चौथा टप्पे में क्या करना है, इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी। अब अपन क्या करना है, जो भी है दोस्तों छोड़ो इसको, इसको छोड़ते डायरेक्ट हम देखते हैं अपने राइट, इनमें से ही करना है ना। तो इसमें देखो दोस्तों एक दो तीन चार, इसमें तो कोई है ही नहीं, मिल रही होगा नहीं दोस्तों अपने, ये तो हो गया फेल। दो चार दो, अब देखो इसमें दो कॉमन आ रहा है, इसमें ये दो, देखो ये दो, तो इसमें दो कॉमन हमने ले लिया। इसी प्रकार इसमें क्या कॉमन है, इसमें तीन तीन कॉमन आ रहा है, देखो तीन यहाँ पर रहा, तो तीन इसमें कॉमन ले लिया, और इसमें तो मिल नहीं रहा है, चलो कोई छोड़ दो इसको। अब दो और तीन बीच में देखो, दो और तीन किसमें है, बीच में देखो दो और तीन किसमें है, इसमें एक तीन है, दो चार है, चार एक दो तीन, देखो ऑप्शन नंबर ए मेरा दोस्तों, ये हमारा राइट हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों, सटीक आंसर हो जाएगा ए, और ये आपके तीन नंबर पक्के हैं, कोई नहीं काट सकता दोस्तों बिल्कुल। टप्पा नंबर चार हमारा बहुत ही सुंदर, अच्छा गजब का दोस्तों, ये हमारे तीन नंबर पक्के हो गए। अब दोस्तों टप्पे नंबर चार में देखते हैं दोस्तों, टप्पे नंबर चार में आगे देखिएगा, टप्पा नंबर पांच देखिएगा, टप्पा नंबर पांच क्या कह रहा है, टप्पा नंबर पांच कह रहा है कि ढूंढ सको तो ढूंढ लो, ना तो आगे से मिलूंगा ना पीछे से मिलूंगा ना बीच में से मिलूंगा, औकात हो तो ढूंढ लो, हम ढूंढ लेंगे दोस्तों। देखिएगा अब आपको मिलाना दोस्तों, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों कि मैं ना तो आगे से मिलूंगा
ना पीछे से मिलूंगा और ना ही बीच में से मिलूंगा। ढूंढना हो तो ढूंढ लो, नहीं तो आंसर गलत कर दोगे। अब करना क्या है दोस्तों, हम आंसर गलत नहीं करने वाले। पुष्पा राज झुकता नहीं है साला, आंसर गलत नहीं करता है। देखिएगा इस स्थिति में क्या करना है, इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है। तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधा से शुरू होना है 1 2 3 4, ये जहां दिखाई दे वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। इसमें देख लो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 2 3 4 हमारे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर बाई चांस 1 2 3 4 नहीं हो तो फिर कॉमन भी ना हो और 1 2 3 4 नहीं हो तो फिर क्या करना है, फिर क्या करना है दोस्तों, 4 3 2 1, या तो आपको 1 2 3 4 दे रखा होगा, अगर 1 2 3 4 नहीं है तो फिर आपको दे रखा होगा 4 3 2 1 कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये एक तरीके से रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग की ट्रिक फॉलो कर रहे हैं हम, इसी तरीके से करना है। बिल्कुल कोई नंबर आपके नहीं काट सकता, बीएसटीसी में 2 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। बीएसटीसी में वैसे तो एग्जाम बिल्कुल इजी आएगा, इस प्रकार से इजी क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन आगे जब आप रीट की एग्जाम यानी आगे बड़े एग्जाम दोगे तो उसमें ये बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों आपको। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब टप्पा नंबर 5 तो हमारा हो गया, अब टप्पा नंबर 6 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है 6वां टप्पा। टप्पा नंबर 6 क्या कहता है कि रास्ते में जो भी आएगा उसको काट देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, अब टप्पा नंबर 6 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपने पढ़ा कि राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। मुझे पता है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको आता होगा, कोई बात नहीं, हमें आता नहीं है। ठीक है, अगर इस प्रकार के कोई दूसरा क्वेश्चन दे रखा होता तो फिर ठीक है, आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो देखिएगा टप्पा लगाओ दोस्तों। अब ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी आएगा उसको काट देंगे, जो भी आएगा उसको काट देंगे। काटने से पहले दोस्तों जो मैंने पहला दूसरा टप्पा लगाया उसको देखो दोस्तों, जैसे आपको इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें आपको कॉमन आ रहा है जैसलमेर, कॉमन जैसलमेर आ रहा है इसमें आप देख रहे हैं, उसी प्रकार इसमें आप कॉमन देखेंगे तो गंगानगर कॉमन आ रहा है। ठीक है, गंगानगर आ गया, अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, इसमें भी देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें क्या बीकानेर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है बीकानेर आ रहा है। तो देखो जैसलमेर गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर गंगानगर बीकानेर इसमें भी है, तो जैसलमेर गंगानगर जोधपुर इसमें है, जैसलमेर गंगानगर देखेगा और किसमें क्या दे रखा है, इसमें है नहीं दे नहीं रखा है, जैसलमेर गंगानगर बीकानेर इसमें दे रखा है। तो देखो दोस्तों इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें सी राइट हो जाएगा दोस्तों, सी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी लॉजिक लगा सकते हो, अगर ये नहीं लगाना चाहो तो आप ये भी लगा सकते हो, देखिएगा कौन सा लगाना है दोस्तों, इसमें देखो सबसे पहले जयपुर दे रखा है, तो जयपुर देखो किसमें दे रखा है, जयपुर इसमें है, देख क्या जयपुर इसमें किसी में नहीं है। चलो जोधपुर देखो दोस्तों, जोधपुर इसमें है क्या, जोधपुर तो किसमें दे नहीं रखा, जोधपुर ये रहा, ये एक जोधपुर से ये जोधपुर कैंसिल। ठीक है, जैसलमेर देखो दोस्तों, जैसलमेर नीचे का दे रखा, एक ये जैसलमेर रहा तो ये जैसलमेर कैंसिल हो गया, और ये भी जैसलमेर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी जैसलमेर हो गया कैंसिल, उसी प्रकार से ये भी जैसलमेर हो गया कैंसिल, और कहाँ है जैसलमेर नहीं है। चलो फिर बीकानेर देखो, बीकानेर किसमें कॉमन है, बीकानेर इसमें आप देखेंगे तो बीकानेर ये रहा और ये, ठीक है ये कैंसिल हो गए, और ये भी रहा ना बीकानेर, ये भी हो गए, चलो इसका भी काम हो गया तमाम। और देखो बाड़मेर, ये बाड़मेर चला गया, ये भी बाड़मेर चला गया, ये भी बाड़मेर चला गया। आप पीछे बचा इसमें गंगानगर, ये गंगानगर तू चले जा। अब दोस्तों देखो, जब पाली बच गई, और कौन कौन बच गया, सबसे ऊपर वाले में देखो दोस्तों कितने काटे हमने, 1 2 3 काट दिए दोस्तों, 3 काट दिए इसमें। दूसरे में देखो कितने काट दिए, 1 2 3 काट दिए, इसमें भी 3 काट दिए दोस्तों। चौथे में देखो 1 2 3 4 काट दिए, तो ये हो गए 4। इसमें देखो 1 2 3 काट दिए, कितने काटे 3 काटे। सबसे ज्यादा किसमें कटे दोस्तों, सबसे ज्यादा सी में कटे, इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। ये बिल्कुल दोस्तों रीजनिंग की ट्रिक लग रही है, आप तो इनको रट्टा लगा लीजिएगा दोस्तों, अच्छे से ट्रिकों को दिमाग में फिट कर लीजिएगा। मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो राजस्थान जीके में, लेकिन नहीं, आपको दिमाग में रखनी है सभी टप्पे दोस्तों। ठीक है, क्या पता कभी भी हमें जो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो फिर ऐसे गलत हो जाए, ये टप्पे अगर दिमाग में होंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन आपके राइट होंगे दोस्तों। ठीक है, अब ये कर लीजिएगा आप। अब टप्पा नंबर दोस्तों देखते हैं, 7वां टप्पा देखते हैं। पता मैंने जो बता दी पहले, टप्पा 7, टप्पा 8, टप्पा 9, टप्पा 10, ये भी टप्पे है दोस्तों। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये टप्पे लगाने जरूरी है। अब देखो बाकी जो कुछ टप्पे हैं मैं लाइव में भी बता दूंगा आपको। ठीक है, बाकी देखिएगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता लेकिन टाइम लगता है दोस्तों, आपको पता है, तो इसलिए
टप्पा नंबर सात क्या कहता है कि उत्तर की बड़ी लाइन, कोई भी प्रश्न हमें दे रखा होगा, कोई भी प्रश्न हमें दे रखा होगा, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे होंगे, जिसमें से जो जिस ऑप्शन की लंबाई, यानी कि जिस जो ऑप्शन लंबा दे रखा होगा, जिसका उत्तर लंबा लिखा हुआ है, उसी को आपको चयन करना है। ये टप्पा काम करता है दोस्तों। 100 में से कितने प्रतिशत, 100 में से, 100 में से ये, यानी दोस्तों 60 प्रतिशत ये टप्पा काम करता है, 100 में से 60 प्रतिशत। उसी प्रकार से टप्पा नंबर आठ क्या करता है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त सभी, ये 100 में से दोस्तों मान के चलो आप 50 प्रतिशत काम करता है, 50 प्रतिशत, ठीक है। यानी चार ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, उसमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन जैसे इस प्रकार से भी होंगे, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त सभी, तो इनका भी चयन करना है आपको। ये टप्पा नंबर दोस्तों ये 50 प्रतिशत ही काम करता है, थोड़ा दिमाग का यूज करके करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से तो टप्पा मत लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। देखिएगा टप्पा नंबर नवा टप्पा क्या कह रहा है कि पेपर को ध्यान से पढ़े दोस्तों, पेपर को ध्यान से पढ़े, कहने का मतलब है कि जितने भी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जितने भी जो क्वेश्चन दे रखे होंगे उनको सभी को पढ़ना है ध्यान पूर्वक, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर तो पेपर में ही दे रखा होता है, ठीक है। तो पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़ना दोस्तों, ये टप्पा नंबर नवा हो गया दोस्तों। टप्पा नंबर दस क्या कहता है कि अंग्रेजी में लिखा होगा, बिल्कुल दोस्तों, जैसे चार ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे गोडाउन का अन्य नाम क्या है, गोडाउन का अन्य नाम क्या है, जैसे आपको दिए होंगे ऑप्शन में कुरंजा, सारस, ठीक है, द ग्रेट इंडियन बस स्ट्रेड, या और भी कोई दे रखा होगा, तो देखो द ग्रेट इंडियन बस स्ट्रेड, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गोडाउन को, तो अपना अंग्रेजी में भी दे रखा होगा अलग से ही, तो उसको राइट करना है। तो दोस्तों ये टप्पे अपने 10 टप्पे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो मेरे हिसाब से आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा होगा, आप सभी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों, अपनी अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें करना दोस्तों, ठीक है। अब आपके लिए दोस्तों बीएसटीसी का एग्जाम 28 अगस्त को है, तो मैं आपके सामने 1000 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं दोस्तों, 1000 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। लाइव क्लास चलेगी दोस्तों मॉर्निंग में, सुबह 9 बजे शुरू होगी, कल से मॉर्निंग में 9 बजे से क्लास शुरू होगी, तो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना है दोस्तों, और मेरा हौसला बुलंद करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना है सभी को, ठीक है। आज 24 तारीख होगी, कल 25 हो जाएगी, तो सभी को ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग में सुबह 9 बजे मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय